पनीर टिक्का के लिए पनीर आया है, देख सकते हैं, देख सकते हैं पनीर मेरा छोटा छोटा कट गया है पनीर टिक्का बनाने के लिए, अच्छे से देख सकते हैं छोटा छोटा है। और पनीर टिक्का बनाने के लिए प्याज भी काटा गया है। पनीर टिक्का और पूरी बनेगा, पूरी के लिए आटा भी गूंदा गया है, देख सकते हैं मैदे का है, पनीर टिक्का में मैदे का पूरी बनता है, देख सकते हैं। देख सकते हैं पनीर टिक्का और पूरी बनाया जाएगा। पनीर टिक्का के लिए मेरा कढ़ाई में तेल रखा गया है, देख सकते हैं तेल गर्म करने के लिए थोड़ा फोरन पड़ रहा है, जीरा का फोरन है। देख सकते हैं तेल मेरा गर्म हो गया है, इसमें प्याज पड़ रहा है, कुछ मसाले हैं, दालचीनी है। अब लहसुन इसमें दिया जाएगा, तजपत्ता है टेस्टिंग के लिए, और प्याज देख सकते हैं। प्याज मेरा लाल हो रहा है, देख सकते हैं। टमाटर हो गया है, पूरी तरह से मेरा प्याज लाल हो चुका है, देख सकते हैं। प्याज का
देख सकते हैं मसाला दिया जा रहा है। मसाला पर जो है भूजा जाएगा। नमक है टमाटर है। टमाटर देख सकते हैं पनीर मसाला, पनीर मसाला है देख सकते हैं। देख सकते हैं मेरा पूरा मसाला हो चुका है। पनीर पूरा खा चुका है। पानी योगा कर रहा है। देख सकते हैं मेरा पनीर टिक्का बनकर तैयार हो गया है। देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। देख सकते हैं मेरा मैथे के आटा का दलिया बनाया हुआ है। देख सकते हैं वीडियो में ढेर सारा दलिया है छोटा छोटा। देख सकते हैं दलिया को बेला गया है। देख सकते हैं बेला गया है।
अब इसको कढ़ाई में छाना जा रहा है, देख सकते हैं बाल तो अच्छे से खिल रहा है। देख सकते हैं इतना ढेर सारा मेरा पूरी निकल चुका है मैदे का, देख सकते हैं मेरा पनीर टिक्का और पूरी बन चुका है, देख सकते हैं वीडियो में। मिलते हैं अगले ब्लॉक में।